माशाल्लाह, ये देखो धनार। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको कितनी हिम्मत और ताकत दी हुई है कि इस पोजीशन में होने के बावजूद भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको तहां के सही इन जजाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह तहां के ॾिसी करे ॾाढो मज़ो बेला। तहां असांजे चैनल के ॾिस जो, सब्सक्राइब कर जो, लाइक कर जो, अगते शेयर जरूर कर जो। काठी दाठी कपण ला, लठ दठ कटण ला, हिन लाइ मतलबु छोटी। हा, इन ऐं तव्हांखे तंग के छा थियो आहे तव्हांजी? ही असां खे फाले जी थी आहे। अच्छा, भाई ये क्या कहते हैं, अब हुआ ऐसा है कि हम आए थे, एक और साईं हैं, साईं जाड़ा, उनकी औताक पे आए थे, तो हमें पता चला कि इन्होंने मछलियाँ पाली हुई हैं, जो जिक्र वहीद भाई ने भी बताया डिटेल, तो उसकी थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। तो वो चेक कर रहे हैं मछलियाँ उनके तालाब में, हम लोग देख रहे हैं, और ये भी हमारे लिए, मेरे लिए तो खासकर बहुत यूनिक है कि ये देखने को मिल रहा है कि कैसे मछली पकड़ रहे हैं, कैसे तालाब में चेक कर रहे हैं ये लोग। तो देखिए, कब्रिस्तान में अचानक रुके हैं, वहीद भाई को याद आ गई कुछ, तो सोचा ये कब्रिस्तान पे भी फातह पढ़ लें और फिर आगे चलेंगे। तो इसमें भी एक चीज़ है, देखते रहिएगा, एक ऐसी पुरानी कब्र है जो तकरीबन कितनी पुरानी है, 70 साल, 70 साल के लगभग कुछ है, तो वो देखते हैं उसको। और वो इनके वहीद भाई के परदादा, दादा के वाले साहब, मेरे दादा, हाँ, इनके दादा के वाले साहब की कब्र है और वो 70 साल पुरानी। और साथ में ही इस कब्रिस्तान के ये क्या पानी जो ये इधर जो है, ये कहाँ से, ये जो साथ में क्या है, ये नहर आ रही है, नहर आ रही है साथ में ना, दरिया, तो ये रास्ते। अच्छा, तो ये पानी ऊपर आता होगा तो ये भी भीग जाती होंगी? नहीं, यहाँ पर नहीं, असल में नहर जो बनी हुई ना वो उसी में ही पानी होता है। अच्छा अच्छा, नीचे नहीं आता। चले दिखाएं कौन सी है कब्र, ये वाली आ जाए, हम आपको दिखाते हैं तमाम अपने साथ है, देखते हैं भाई कौन सी कब्र है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा मौलाना हम्मदिन अदरम, ये कब्र है, बिल्कुल ये कब्र है, ये हमारे दादा की। ये दिखा देना, ये किस तरह से कब्रें लाइन से बनी हुई है, इस तरह से कब्रें बनी हुई है भाई, यहाँ पे कपड़े उड़ाए हुए इनको। और यहाँ पे एक और कब्रिस्तान भी हमने देखा था दूर से ही, बाहर से, तो वहाँ पे भी इसी तरह की नौयत की कब्रें बनी हुई है और बनावट उनकी ऐसी ही है। ये देखें, यहाँ पे भी ये कब्र ऐसे बनी हुई है, पूरी तख्ती रखी हुई है इसकी, और ये आप देख सकते हैं ईंटों पे बनाई हुई है, जस्ट एक ईंट ऊपर, सिर्फ ये मेरे ख्याल से सिर्फ निशानी के तौर पे कि ये कब्र है तो ये इस तरह इन्होंने बना दी है, बाकी तो नीचे ही होगा जो होगा। खैर, ये था आपको एक दिखाने का, बाकी हम फातिहा पढ़ के यहाँ से अब हम निकलेंगे आगे, देखते हैं आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा या क्या है, तो फिर घर का, घर भी शायद हमने नहीं दिखाया, इनके घर भी मैं आपको बताऊँ बड़े खूबसूरत बनाए हैं, अंदर से इनके डेकोरेशन का तरीक़ेकार अलग होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين जितने भी तेरे बंदे बंदियां बच्चे बच्चियां जवान बूढ़े आए आएंगे और आकर चले गए सबकी अरवाह को पेश करते हैं अल्लाह या मेरे मौला यहाँ पर एक बुजुर्ग नेक हस्ती जिनका मज़ार शरीफ यहाँ पर है या अल्लाह उनके सदक़े और इन तमाम कब्रों की तमाम कब्र वालों की मगफ़िरत फरमा दे बिलखसूस बिलखसूस मेरा दादा के वालिद साहब
जाफर खान चांडियो की या रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत फ़रमा दे, इनकी कबर को जन्नत का बाग बना दे, इनकी कबर में जन्नती बिछौना बिछा दे, इनकी कबर में जन्नती रहमतें नेमतें दाखिल कर दे, इनकी कबर को ताहदे निगाह तक नसीब फ़रमा, करवट करवट सकून राहत और चैन अता फ़रमा या रब्बुल आलमीन, इनकी हतमी मग़फ़िरत फ़रमा दे, बरोज़ क़यामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फ़रमा। या अल्लाह अपने करम से इन पर हम पर सब पर अपना ख़ास फ़ज़्लो करम और इनायत अता फ़रमा दे। अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्क। आमीन। अकला इला इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।